केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रायसिंह नगर क्षेत्र में ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसमें शामिल किसान संगठनों ने नई धान मंडी से करीब 800 ट्रैक्टरों को लेकर रैली निकाली। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहर में जाम की स्थिति भी देखने को मिली, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। किसानों ने हाईस्कूल ग्राउंड से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और यहां पर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मोदी सरकार द्वारा जो कृषि को लेकर तीन काले कानून लाए गए थे, उन कानूनों के विरोध में लाखों किसान पिछले 42 दिन से दिल्ली सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। हमारे संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था कि आज के दिन हम पूरे देश भर के अंदर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। वो ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर निकलेगी, उसकी ये रिहर्सल है। हमारी मोदी सरकार को चेतावनी है कि सरकार तुरंत प्रभाव से तीनों काले कानून को वापिस लेके किसानों की वाजिब बात को माने, अन्यथा आने वाले दिनों के अंदर देश का अन्नदाता सड़क पे आके सरकार के खिलाफ आर पार का संघर्ष करने को मजबूर होगा।